सहकारी बैंकों में 423 पदों पे नियुक्तियां हुई थी इसी साल, और इस नियुक्तियों में जो मानक थे उनकी धज्जियां उड़ा गई। बहुत जो मोटी रकम का लेन देन इसमें हुआ है, लगभग 80-90% जो पद है वो भाई भतीजावाद और पैसे के माध्यम से उनको नियुक्ति दी गई है। और जब इस पूरे मामले में बहुत हल्ला हुआ तो इस मामले को लेकर के सरकार ने एक जांच कमेटी नीरज बेलवाल जी जो उप निबंधक है उनकी अध्यक्षता में गठित की, जिसमें सदस्य मान सिंह सैनी जी उप निबंधक हैं गढ़वाल क्षेत्र के, उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में पूरा का पूरा खुलासा करके सरकार को माह अक्टूबर 2022 में यानी 2 महीने पहले रिपोर्ट सौंप दी थी, लेकिन अब तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कार्रवाई के नाम पे एक तरह से शासन में कह लीजिए जो भी मामला है उसमें माथापच्ची चल रही है, फाइल को घुमाया जा रहा है। इससे क्या है कि जो हमारे प्रदेश के सिफारिश विहीन युवा है, जो संसाधन विहीन है, जिनके पास पैसा नहीं है, वो आज बड़े कसमकस में बड़े परेशान है कि इस तरह अगर प्रदेश में ये चलन हो जाएगा पैसे के आधार पे, लेन देन के आधार पे ये सांठ गांठ करके अगर भाई भतीजावाद के माध्यम से लोगों को नौकरियां मिलेगी तो उन युवाओं का भविष्य क्या होगा। इसमें सारा का सारा मामला अगर हम इस बात को कहें कि तमाम जिन युवाओं ने जिन लोगों ने नौकरी पाई है, बैंक के कर्मचारियों की बात करें चाहे बैंक के अधिकारी हों, जो तमाम सहकारी समिति से जुड़े हुए अध्यक्ष वगैरह, अगर इनके खातों की लेन देन की जांच कर ली जाए तो बहुत व्यापक पैमाने पर आपको ये लगेगा कि वाकई में जो जन संघर्ष मोर्चा कह रहा बिल्कुल 100% सही है। इनमें बहुत मोटी रकम का लेन देन हुआ है। इन्होंने सबसे बड़ी जो गलती कर दी इन लोगों ने कि अपने खाते से तमाम दूसरे खातों से लेन देन का इनकी पुष्टि हो रही है। इसमें अगर सरकार जांच करती है निश्चित तौर पे जो ये जालसाज हैं ये सलाखों के पीछे होंगे, और जो तमाम फर्जीवाड़ा करके जो तमाम सेटिंग गेटिंग करके जो जिन लोगों ने नौकरी पाई है वो बाहर होंगे, और प्रदेश में एक स्वच्छ प्रशासन स्थापित होगा। ये बहुत जरूरी है कि सरकार को उसको जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करना चाहिए, उस पर कार्रवाई करना चाहिए।